Hello everyone, my name is Ankur and I welcome to all on our channel R2M. इस लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी डायग्राम की जो कंप्लीट ड्राइंग है उसको सीखेंगे. तो उसको सीखने से पहले मैंने आपको लेक्चर 4 में वेलोसिटी डायग्राम के कुछ नोटेशंस, कुछ ट्रिक्स बताए थे. तो उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, तब इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं. तो मैंने आपको बताया था, अगर एब्सोल्यूट या फिक्स वेलोसिटी है उसके साथ कॉन्सेप्ट आता है V1, V2 एंड अल्फा एंड बीटा का. V1 था एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल एट इनलेट, V2 था एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल एट आउटलेट, अल्फा आपका था फिक्स ब्लेड एंगल एट इनलेट, बीटा फिक्स ब्लेड एंगल आउटलेट. तो अगर जहां कहीं भी कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट या फिक्स ब्लेड आएगा तो आपके मन में ध्यान आएगा V1, V2, अल्फा, बीटा. V1 के साथ हमेशा एंगल अल्फा बनेगा, V2 के साथ हमेशा एंगल बीटा बनेगा. सिमिलरली रिलेटिव या मूविंग ब्लेड जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे VR1, VR2, थीटा, फाई. VR1 रिलेटिव वेलोसिटी एंगल एट इनलेट और VR2 रिलेटिव वेलोसिटी एंगल आउटलेट और थीटा मूविंग ब्लेड इनलेट एंगल, फाई मूविंग ब्लेड आउटलेट एंगल. तो VR1 के साथ हमेशा थीटा एंगल आएगा और VR2 के साथ हमेशा फाई एंगल आएगा. और मैंने आपको बताया था वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, U1 प्लस VR1 इज इक्वल टू V1. ये हमें इनलेट पे फॉलो करना है सारे वेलोसिटी ट्रायंगल में. एग्जिट पे फॉलो करना है VR2 प्लस U2 इज इक्वल टू V2, ये एग्जिट फॉलो करना है. और एक रूल बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंट टू मूविंग ब्लेड. ये मैंने आपको बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंट टू द मूविंग ब्लेड. तो अगर आप इतना नोटेशन और ट्रिक्स याद है तो सारे वेलोसिटी ट्रायंगल आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. तो चलिए हम वन बाय वन ड्रॉ करते हैं. तो मैंने पहला केस उठाया है, जेट स्ट्राइक्स एट द टिप ऑफ द मूविंग वेन आ सिंगल ब्लेड क्रेश. तो ये एक ब्लेड है, सिंगल मूविंग ब्लेड है, उसका मैं डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ. अगर आपको इसका वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करने आ गया तो आप इजीली पंप, कंप्रेसर, टर्बाइन किसी भी केस का ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि कैसे करते हैं. सबसे पहले देखिए, हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक मूविंग ब्लेड गिवन रहेगा. जैसे ये एक मूविंग ब्लेड गिवन है, आप देख रहे हैं, और आपको पता है मूविंग ब्लेड के पास ओमेगा होता है, ये सबको पता है. तो मूविंग ब्लेड आपकी घूमती ऐसे घूमती है मूविंग ब्लेड, तो ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है. अगर लीनियर बोलेंगे तो क्या होगा, यू होगा, यू इज इक्वल आर ओमेगा. तो लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट करना, आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो हर क्वेश्चन में आपको मूविंग ब्लेड का यू गिवन रहेगा. देखिए जैसे यहाँ पे ये यू गिवन है कि ये ब्लेड इस तरह से मूव करिए, लीनियर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है, यू इज इक्वल आर ओमेगा. एंगुलर बोलेंगे तो ये ब्लेड कुछ ऐसे ऐसे घूम रही है, ये होगी एंगुलर वेलोसिटी. तो पहला रूल है, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंट टू द मूविंग ब्लेड. तो देखिए ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, तो पॉइंट वन पे टेंजेंट ड्रॉ करना है. तो ये हमने ड्रॉ किया टेंजेंट, ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं टेंजेंट. ये आपका VR1 है. तो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंट टू द मूविंग ब्लेड, तो ये हो गया टेंजेंट. सिमिलरली यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया VR2. तो पहला होता है कि आपको जब भी वेलोसिटी डायग्राम दिया जाएगा तो आप रिलेटिव वेलोसिटी ड्रॉ कर दीजिएगा, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट. टेंजेंट ड्रॉ करते वक्त आपको ये बस ये ध्यान रखना है, अगर टर्बाइन का केस है इनलेट पे सारे पैरामीटर्स बड़ा बनेगा, क्योंकि इनलेट टैंक बड़ा बनता है. तो VR1 को लेंथ में बड़ा दिखाइए, VR2 को छोटा. पंप या कंप्रेसर तो उल्टा करना होता है, क्योंकि इनलेट पे छोटा बनता है, आउटलेट पे बड़ा. तो ट्रायंगल ट्रैक पर आपको दिखना चाहिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. जैसे यहाँ पे आपको इनलेट बड़ा दिख रहा है, आउटलेट छोटा दिख रहा है, तो कोई भी देख के बता देगा ये जो ट्रायंगल है ये टर्बाइन का है. तो पहला रूल है, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंट टू द ब्लेड. यहाँ ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, यहाँ ड्रॉ कर दिया टेंजेंट. फिर क्या करना है आपको, जो भी ब्लेड की लीनियर स्पीड दी है उसके पैरेलल आपको ड्रॉ करना लीनियर स्पीड. यहाँ पे ये देखिए U1 मैंने ड्रॉ किया है, इस U के जस्ट पैरेलल यहाँ ड्रॉ करना है. तो ये हो गया U1, और सिमिलरली यहाँ पे इस U के पैरेलल ये हो गया U2. क्लियर? तो अब इनलेट फॉलो करिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, U1 प्लस VR1. मैंने बताया था ना U1 प्लस VR1 V1. तो ये ड्रॉ हो गया V1. यहाँ भी VR2 प्लस U2, ये हो गया V2. ये देखिए ट्रायंगल लॉ. तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले रिलेटिव वेलोसिटी ड्रॉ के लिए टेंजेंट, ये टेंजेंट. बट टेंजेंट ड्रॉ कर ध्यान रखिएगा केस किसका है, टर्बाइन का है, पंप की, कंप्रेसर, क्योंकि अगर जैसा केस वैसा आप ड्रॉ करेंगे. क्योंकि टर्बाइन का केस हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इनलेट पे ट्रायंगल बड़ा बनेगा, तो इनलेट पे सारी लेंथ को ज़्यादा दिखाना है और आउटलेट पे छोटा दिखाना है. फिर यू के जो पैरेलल, जो भी ब्लेड की लीनियर स्पीड है उसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करिए और यहाँ ड्रॉ की, मतलब ड्रॉ करने का मतलब होता है जस्ट इसके पैरेलल आपको उठा के इसको यहाँ रख देना है और इसके पैरेलल जस्ट उठा के आपको यहाँ रख देना है. फिर ट्रायंगल लॉ लगा दीजिए, U1 प्लस VR1 इज इक्वल टू V1.
अब आपको पता है V1 के दो कंपोनेंट, ये आपका VF1 है और V1 के ये पूरा कंपोनेंट VW1। मैंने आपको बताया था जो VF होता है फ्लो कंपोनेंट होता है या फिर रेडियल कंपोनेंट या फिर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो V1 का वर्टिकल कंपोनेंट VF1 और इसी V1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये पूरा VW1, तो इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलिए या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट V1 बोलिए, VF1 फ्लो कंपोनेंट या फिर वर्टिकल कंपोनेंट V1 बोलिए। तो ये था इनलेट। और मैंने आपको बताया V1 के साथ, क्योंकि V1 जो होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी को बताता है, तो उसके साथ एंगल अल्फा आएगा, क्योंकि अल्फा होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल एट इनलेट। VR1 के साथ एंगल थीटा आएगा। सिमिलरली VR2 प्लस U2 ये V2 हो गया। तो इस V2 के दो कंपोनेंट देखिए, ये VF2 और ये इतना पार्ट VW2। तो VR2 के साथ एंगल फाई आएगा और V2 के साथ एंगल बीटा आएगा। तो बताया मैंने V1 और V2 एब्सोल्यूट हैं, तो इनके साथ एंगल भी एब्सोल्यूट अल्फा और बीटा। VR1 और VR2 रिलेटिव हैं, इनके साथ एंगल रिलेटिव वाला थीटा एंड फाई। ये चूंकि केस टरबाइन का है तो आप ध्यान से देखिए, VR2 प्लस U2 इज इक्वल टू V2। तो देखिए यहाँ पे जो V2 के दो कंपोनेंट VF2 VW2, जब आप VF2 का एक कंपोनेंट ड्रा करेंगे VF2 और VW2 ऐसे आएगा। तो देखिए U2 और VW2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। जब भी केस टरबाइन का होगा तो हमेशा आपका जो ये U2 है और ये VW2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि जो ब्लेड का तो लीनियर स्पीड दिया था हमने कर लिया, अब अगर हमें ये देखना हो कि अगर ब्लेड ये कौन सी है, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड, उसका ट्रिक मैंने आपको बताया कैसे करना है। अगर मान लीजिए जो ब्लेड है, चूंकि टरबाइन है, ये ऐसे ओमेगा दिया है, हमने मान लिया कि ओमेगा इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ये दिया हुआ है, क्लियर। अब आप देखिए ब्लेड ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, अब जो वाटर निकल रहा है उसी डायरेक्शन निकल रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ब्लेड घूम रही है उसी डायरेक्शन में आपका वाटर निकल रहा है, क्लियर। जिस डायरेक्शन में आपकी ये ब्लेड घूम रही है उसी डायरेक्शन में वाटर निकल रहा है, इसलिए हम बोलेंगे जिस डायरेक्शन में ब्लेड अगर उसी डायरेक्शन में टूट जाएगा तो वो होता है फॉरवर्ड ब्लेडिंग का केस। तो ये जो क्वेश्चन है ये फॉरवर्ड ब्लेड का है, ठीक। जब भी बात मूविंग ब्लेड की करेंगे तो मूविंग ब्लेड जो है वो हमेशा चेक किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखिए पहले वाटर या स्टीम जो भी है VR1 की स्पीड से यहाँ जा रहा था, मतलब ये वाटर इधर जाना चाह रहा था बट जा किधर रहा, फाइनल VR2, ये जाना इधर जा रहा था अब बट जा किधर रहा, इधर VR2, तो कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ, डेल्टा। इसी डेल्टा को बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, कितना आपका जो जेट है वो डिफ्लेक्ट हो गया है, क्लियर। कोई डाउट है इसमें आपको नहीं होना चाहिए, यही सबसे बेसिक है, ये बनाना आ गया तो कोई भी केस बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में आपको यू दिया रहेगा, तो सबसे पहले आपको रिलेटिव वेलोसिटी ड्रॉ करनी है टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ टेंजेंट, सारे केस में बस ध्यान रखना है कि किसकी लेंथ छोटी करनी किसकी बड़ी, वो मैंने बताया था। टरबाइन होगा तो इनलेट पे बड़ा, पंप होगा तो आउटलेट बड़ा बनेगा। फिर यू के पहले ड्रॉ करना है, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया U1 और ये U2। पहले ड्रॉ करते फिर वेक्टर एडिशन लगा दीजिए, U1 प्लस VR1, इसका एक कंपोनेंट V1 और V1 का ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट VF1 और VW1। सिमिलरली VR2 प्लस U2, ये हो गया V2, इसके एक कंपोनेंट VF2 और VW2। एंगल मैंने बताया है V1 और V2 के साथ अल्फा और बीटा, VR1 और VR2 के साथ थीटा और फाई। ब्लेड कैसे पहचानेंगे, जब भी एग्जिट पे हमेशा टू पे जब भी चेक करना हो, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है कि रेडियल है, तो आप चेक करेंगे हमेशा विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पॉइंट टू पे V2 इधर जा रहा है, आप VR2 क्यों देख रहे हैं। मैंने बताया है कि ये मूविंग ब्लेड है, मूविंग ब्लेड के रिस्पेक्ट में हमेशा हम रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं, तो आपको VR2 देखना है हमेशा। तो अगर ये ब्लेड एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रही है और देखिए वाटर भी इधर निकल रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ब्लेड उसी डायरेक्शन में वाटर, तो ये फॉरवर्ड ब्लेड का केस है, क्लियर। अब इसी में अगर मैं बोल दूं आपसे अल्फा जीरो कर दूं थीटा जीरो कर दूं, तो अभी ये केस बन जाएगा इंपल्स टरबाइन का। अभी मैं बीटा 90 कर दूं तो बन जाएगा फ्रांसिस का। मैं यहाँ पे इनलेट पे छोटा कर दूं आउटलेट बड़ा कर दूं, तो ये पंप और कंप्रेसर केस बन जाएगा। तो अगर आपको ये केस अच्छे समझ में आ गया तो आप कोई भी वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर। और देखिए VR1 इधर जाना चाह रहा था वाटर पहले, बट जा किधर रहा है, इधर इस डायरेक्शन, कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ, डेल्टा, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, क्लियर। अब देखते हैं वन बाई वन डिफरेंट डिफरेंट केसेस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अच्छे से खुद ड्रॉ कर लीजिए, कि अगर आपको ये केस क्लियर है तो आप कोई भी वेलोसिटी डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए अब हम ड्रॉ कर रहे हैं सबसे पहला इंपल्स टरबाइन। सबने पढ़ा होगा कि इंपल्स टरबाइन जो होता है वो टेंजेंशियल फ्लो होता है, उसी को पेल्टन व्हील बोलते हैं।
और सबको ये पता होगा इंपल्स डिवाइन में यू इक्वल यू वन इक्वल यू टू होता है, ये तो आप सबने पढ़ रखा होगा। अब देखिए इसके पहले वाला जो केस ड्रॉ किया था मैंने, अगर मैं वहाँ अल्फा जीरो कर दूँ और थीटा जीरो कर दूँ, ध्यान से देखिए इस वाले केस में अगर आप अल्फा को जीरो कर दें थीटा को जीरो कर दें, जैसे आप अल्फा को जीरो करेंगे तो ये जो पूरा वी वन है ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा, थीटा जीरो करेंगे तो ये पूरा यहाँ आ जाएगा। अगर आप अल्फा को जीरो करते हैं तो ये आपका पूरा वी वन था, जस्ट ये वी वन यहाँ गिरा दीजिए, थीटा जीरो करेंगे तो ये वी आर वन को यहाँ कर दीजिए, तो ये बन जाएगा इंपल्स का केस। बस इंपल्स में वही होता है, इंपल्स में क्या है, ये मूविंग ब्लेड है, इसका लीनियर स्पीड दिया है हमको यू, और यू वन इज इक्वल यू टू होता है इंपल्स में। तो क्या होगा, ब्लेड की स्पीड यू है तो जो ब्लेड है वो यू स्पीड से मूव कर रहा है, क्लियर। और जो जेट आ रही है, जेट जो वाटर जो आ रहा है वो वी वन स्पीड से आ रहा है, ब्लेड स्पीड ब्लेड मूव कर रहा है यू स्पीड से और जेट स्ट्राइक कर रही है वी वन से, तो ब्लेड को क्या फील होगा, मूविंग ब्लेड को फील होगा रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि ब्लेड खुद भी तो मूव कर रहा है। जैसे मान लीजिए जेट अगर स्ट्राइक करता है 10 मीटर पर सेकंड से और ब्लेड मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो मूविंग ब्लेड को क्या फील होगा रिलेटिव वेलोसिटी, 10 - 5 मीटर पर सेकंड। इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आता है, अगर ब्लेड फिक्स होता तो इसको वी वन ही फील होता, क्लियर। तो ये हो गया यू वन, ये V1 जिससे जेट जिससे स्ट्राइक किया वो V1 वेलोसिटी है, U ब्लेड की वेलोसिटी है, तो V1 माइनस U1 ये हो गया VR1। तो इंपल्स में हमेशा चूंकि टेंजेंशियल फ्लो होता है तो यहाँ पे इनलेट ट्रायंगल में पहले वाले केस में आप अल्फा को जीरो कर दीजिए थीटा को जीरो कर दीजिए V1 इक्वल VW1 इंपल्स का केस बन जाएगा, और एग्जिट का केस एज इट इज रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट टू द ब्लेड VR2, इसके पहले ड्रॉ के यहाँ पे तो VR2 प्लस U2 इज इक्वल टू V2, V2 के दो वी एफ टू एंड वी डब्ल्यू टू, मैंने बताया था VR2 के साथ एंगल फाई और V2 के साथ बीटा, टर्बाइन जहां भी होगा ये U2 और VW2 अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस टर्बाइन में हम लोग फॉरवर्ड ब्लेड यूज करते हैं। तो आपको पेल्टन व्हील क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग एक जनरल रिएक्शन टर्बाइन, जो मैं पहला केस ड्रॉ किया था वो बेसिकली एक रिएक्शन टर्बाइन का ही था। तो आज जब आप इंपल्स के बाद चैप्टर पढ़ते रिएक्शन टर्बाइन तो उसके अंदर यही वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ होता है, ये पहला वाला केस है जो मैंने बताया था फिर से ड्रॉ किया है। अगर आपको ये ब्लेड दिया गया है, देखिए ये ब्लेड है, इस ब्लेड का ओमेगा आपको दिया गया कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ब्लेड मूव कर रही है। अब मैं बोलूँ लीनियर स्पीड कितनी है यू, यू इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब देखिए जिस डायरेक्शन में ब्लेड मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज उसी डायरेक्शन में वाटर निकल रहा है, अगर आप ऐसे मूव करते जाएंगे करते रहेंगे तो ये इसी डायरेक्शन में आया ना, तो वी आर टू सी में निकल रहा है, तो ये केस फॉरवर्ड ब्लेड का है। तो जब भी फॉरवर्ड ब्लेड का केस होगा ये देखिएगा हमेशा U2 और VW2 अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। अब देखिए रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है, सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द ब्लेड, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये क्लियर। ड्रॉ करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कौन सा ट्रायंगल बड़ा पड़ेगा, जो ट्रायंगल बड़ा उसके अकॉर्डिंग सबकी लेंथ बड़ी दिखानी है, जो छोटा से छोटा दिखाना है। तो छोटा बड़ा कैसे पहचानते हैं, मैंने आपको पिछले चरण में बता दिया था, क्योंकि टर्बाइन पढ़ रहे हैं इनलेट को बड़ा दिखाइए ऑलरेड छोटा दिखाइए, इनलेट पर जितने भी पैरामीटर है जितनी भी लेंथ है वो सब ज़्यादा बनेगी। U है U के पैरेलल, तो ये आपका हमारा स्पीड क्या है U है, इस U के जस्ट पैरेलल उठा के एक पैरेलल यहाँ ड्रा करिए U1 और एक पैरेलल ड्रा करिए U2, फिर वेक्टर वाला लगा दीजिए U1 प्लस VR1, ये हो गया आपका V1, इस V1 के दो कंपोनेंट वर्टिकल VF1 और ये पूरा VW1, सिमिलरली VR2 प्लस U2 इज इक्वल टू V2, V2 के दो कंपोनेंट VF2 और ये VW2, V1 और V2 के साथ एंगल आएगा अल्फा और बीटा, और VR1 और VR2 के साथ थीटा और फाई। तो ये एक सिंपल रिएक्शन टर्बाइन का केस है। अब देखिए अब ये ब्लेड ऐसे कर्वेचर देखिए इधर लिया गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ कहीं पे इस ब्लेड का, ये देखिए। तो अगर अब यहाँ से देखें डिस्टेंस 1 का ज़्यादा है R1, 2 का डिस्टेंस कम है R1 ग्रेटर देन R2 होता है, सारे रिएक्शन R1 ग्रेटर देन R2 और U इक्वल टू R ओमेगा, तो U1 ग्रेटर देन U2। इसीलिए आप टर्बाइन के अंदर पढ़ते रनर पावर एम डॉट इन ब्रैकेट वी डब्ल्यू वन यू वन माइनस वी डब्ल्यू यू टू, एक्चुअल में तो माइनस होता है बट आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं यहाँ प्लस, क्यों, क्योंकि टर्बाइन के केस में हमेशा ये यू टू और वी डब्ल्यू टू अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए यू टू इधर है और वी डब्ल्यू टू इधर है, इसीलिए इस वी डब्ल्यू टू को पुट करते हैं माइनस वी डब्ल्यू टू। इसीलिए टर्बाइन के चैप्टर में आप हमेशा पढ़ते आएंगे एम डॉट इन ब्रैकेट वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू यू टू, एक्चुअल में माइनस है बट अपोजिट डायरेक्शन में सेम करने के लिए पुट करते हैं माइनस वी डब्ल्यू टू। तो ये सिंपल रिएक्शन टर्बाइन का डायग्राम है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे तो फ्रांसिस बन जाएगा। आप सभी को पता है फ्रांसिस टर्बाइन क्या होता है, इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन हैविंग रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट। अब देखिए
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियल डिस्चार्ज। तो सबसे पहले रिएक्शन टर्बाइन ए भी है तो हमने ड्रा किया, ओमेगा दिया ब्लेड का, यूज इक्वल आर ओमेगा, वही रूल रिलेटिव वेलोसिटी विद द टेंजेंट टू द ब्लेड वी आर वन, ये वी आर टू। यू के जस्ट पैरेलल मैंने ड्रा किया यहाँ पे यू और यहाँ पे यू, यू वन प्लस वी आर वन इज इक्वल टू हो गया वी वन, इसके दो कंपोनेंट वी एफ वन और वी डब्ल्यू वन। अब अगर रेडियल डिस्चार्ज है ना तो वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा वी टू इज इक्वल हो जाएगा वी एफ टू, बीटा 90, वी डब्ल्यू टू 0। तो मतलब जो जनरल डायग्राम होता है ये आपका सबसे जनरल डायग्राम है रिएक्शन टर्बाइन का, इस बीटा को 90 कर दीजिए। अब अगर आप देखिए ये आपका जो बीटा है इसको आप 90 जैसे करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ये बीटा ऐसे है इसको 90 करिए तो कुछ ऐसा हो गया, तो दैट इज वी टू इज इक्वल टू वी एफ टू हो जा रहा है। तो हमने वही ड्रॉ किया है, जैसे बीटा 90 होगा आपका जो वी टू है वो वी एफ टू के बराबर, और ये यू टू वी आर टू प्लस यू टू इज इक्वल टू वी टू, और वी टू इज इक्वल टू वी एफ टू की बीटा 90 और वी डब्ल्यू टू 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा देखिए, अगर आप ये बीटा उठा के पूरा यहाँ ले आएंगे तो वी टू इज इक्वल टू वी एफ टू और ये पूरा यू हो जाएगा आप, तो वी डब्ल्यू टू 0 हो जाएगा। तो फ्रांसिस में हम यही पढ़ते हैं रेडियल डिस्चार्ज का मतलब होता है, क्योंकि ये रेडियल डिस्चार्ज आउटलेट पे है, तो जब भी रेडियल डिस्चार्ज आउटलेट पे होगा तो हमेशा याद रखिए वी टू इज इक्वल टू वी एफ टू, बीटा 90 और वी डब्ल्यू टू 0 ये हो जाएगा। तो ये फ्रांसिस का केस हो गया। अब देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। आप सभी को पता है सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो फ्रांसिस टर्बाइन का जस्ट अपोजिट है, अपोजिट ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन। अब फ्रांसिस टर्बाइन के अंदर रेडियल डिस्चार्ज कहाँ पे था, आउटलेट पे था। देखिए जो फ्रांसिस टर्बाइन है इसमें रेडियल डिस्चार्ज आउटलेट पे आ रहा है, बट पंप के केस में रेडियल डिस्चार्ज आपका इनलेट पे आएगा, ये ध्यान रखिएगा ठीक। और पंप में बैकवर्ड ब्लेड प्रेफर करते हैं, ये सभी को पता होगा इसका रीजन ऐसा क्यों है, बट पंप के अंदर चेक प्रेफर करते हैं बैकवर्ड ब्लेड। अब आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में ये जो डायग्राम ड्रॉ किया गया है ये फॉरवर्ड की बैकवर्ड, कैसे चेक करेंगे देखिए, ये एक ब्लेड दी गई है इसका ये ओमेगा है, ये ब्लेड मूव कर रही है क्लॉकवाइज, क्लियर, ये ब्लेड क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो यूज इक्वल टू ओमेगा लीनियर हो गया। तो मैंने बताया जो पंप होता है उसमें रेडियल डिस्चार्ज इनलेट पे होगा, तो जैसे वहाँ आउटलेट पे था तो मैंने बोला था वी टू इज इक्वल टू वी एफ टू, बीटा 90, वी डब्ल्यू टू 0, अब यहाँ इनलेट पे हो गया तो वी वन इज इक्वल टू वी एफ वन और वी वन के साथ एंगल अल्फा आता है, अल्फा 90 और वी डब्ल्यू वन 0, वहाँ पे वी टू इज इक्वल टू वी एफ टू था और वी टू था एंगल बीटा तो वहाँ बीटा 90। तो पहला रूल रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट टू द ब्लेड, ये मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, फिर रिलेटिव टेंजेंट टू द ब्लेड यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब देखिए चूंकि ये पंप का केस है तो आउटलेट पे ट्रायंगल बड़ा बनेगा इनलेट पे छोटा बनेगा, इसीलिए आप ड्रॉ करते हुए ध्यान रखिएगा आउटलेट के लेंथ को ज़्यादा दिखाएंगे। तो ये एक डायग्राम देख के कोई भी समझ जाए कि टर्बाइन का पंप आपको ऐसा ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं आपको वी आर वन वी आर टू सेम लेंथ का ड्रॉ कर देंगे, ये भी नहीं, आपको वी आर वन छोटा दिखाना है वी आर टू बड़ा दिखाना है, ये हो गया। और मैंने आपको बोला इस यू के जस्ट पैरेलल ये यू आर ओमेगा दिया हुआ, इसके जस्ट पैरेलल उठा के यहाँ ड्रॉ कर दीजिए ये यू वन और इसके जस्ट पैरेलल ये ड्रॉ कर दीजिए पूरा यू टू, तो ये आपका पूरा यू टू है ठीक। यू वन प्लस वी आर वन इज इक्वल टू वी वन वेक्टर लॉ, अब मैंने बोला रेडियल डिस्चार्ज एट इनलेट तो वी वन इज इक्वल टू वी एफ वन, वी वन के साथ एंगल अल्फा था, अल्फा 90 होगा तो वी वन इज इक्वल टू वी एफ वन हो गया, वी डब्ल्यू वन आपका 0 होगा और ये अल्फा ये थीटा, वी वन एंगल थीटा बनता है मैंने बता दिया। सिमिलरली वी आर टू प्लस यू टू, यू टू पूरा है ध्यान दीजिएगा इज इक्वल टू वी टू, तो वी आर टू प्लस यू टू इज इक्वल टू वी टू, वी आर टू के साथ एंगल 5, वी टू के साथ बीटा, इस वी टू के दो कंपोनेंट ये आपका जो वी टू है इसके दो कंपोनेंट वी एफ टू और इतना पार्ट वी डब्ल्यू टू हो गया। अब कैसे चेक करेंगे ब्लेड बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड, देखिए ये ब्लेड मूव कर रही है क्लॉकवाइज, क्लॉक पे अगर मूव कर रही है तो जब मूव करेगी तो वाटर को किधर निकलना चाहिए था, यहाँ पे इस साइड निकलना चाहिए बट निकल के रहा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में ब्लेड मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वाटर जा रहा है, तो ये बैकवर्ड ब्लेड का केस है। आप जब मूव करेंगे क्लॉकवाइज जैसे आप यहाँ जाएंगे तो वाटर इधर निकलना चाहिए, आप कभी वी टू जज नहीं करेंगे सर वी टू इधर निकलना है, मैंने पहले बोला है मूविंग ब्लेड का रेफरेंस होता है रिलेटिव वेलोसिटी, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी जज करेंगे, तो अगर ब्लेड क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो वाटर जाना चाहिए इधर बजा के इधर है उधर, इसीलिए बैकवर्ड ब्लेड का केस है, मतलब ब्लेड इधर मूव कर रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर अपोजिट डायरेक्शन दिया गया है, तो ये बैकवर्ड ब्लेड का केस होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो फॉरवर्ड ब्लेड कैसे पहचानेंगे, देखिए ये ब्लेड है दोनों केस में ओमेगा सेम रखा मैंने, मतलब ओमेगा क्लॉकवाइज यहाँ रखा हुआ है, ओमेगा क्लॉकवाइज यहाँ रखा हुआ है, जिस डायरेक्शन में ब्लेड मूव कर रही है कर्वेचर मैंने अपोजिट डायरेक्शन दे दिया तो बोलेंगे बैकवर्ड ब्लेड, ये आपका वी आर टू है। जिस डायरेक्शन में ब्लेड मूव कर रही है अगर उसी डायरेक्शन में कर्वेचर दे दिया वी आर टू इधर निकल रहा है तो फॉरवर्ड ब्लेड,
इसीलिए आप पंप में पढ़ते होंगे इंपेलर पावर एम डॉट इन ब्रैकेट वी डब्ल्यू टू यू टू माइनस वी डब्ल्यू वन ई वन, यहाँ पर वो दिक्कत नहीं आई प्लस माइनस की, देखिए क्योंकि जिस डायरेक्शन में यू टू है उसी डायरेक्शन वी डब्ल्यू टू है, जो मैं ये बताता हूँ ये डायरेक्शन के लिए है, बट वहाँ पर क्या था टर्बाइन में, टर्बाइन में अगर आपको ध्यान हो, अब आपको दिखाता हूँ टर्बाइन में क्या था, देखिए यू टू और वी अपोजिट डायरेक्शन में था इसीलिए बीच में प्लस आ रहा था, बट पंप में ऐसा नहीं है, ये यू टू और वी डब्ल्यू टू दोनों सेम डायरेक्शन है इसीलिए आप यहाँ प्लस नहीं पढ़ते, यहाँ माइनस ही होता है। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं है तो ये देखिए आर वन कम है आर टू ज़्यादा है इसीलिए आर टू ग्रेटर देन आर वन यू टू ग्रेटर देन यू वन, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा अपोजिट फ्रांसिस टर्बाइन, प्रिपेयर करेंगे बैकवर्ड ब्लेड, रेडियल डिस्चार्ज, अगर रेडियल डिस्चार्ज इनलेट पे है तो समझ जाइए वी वन इज इक्वल टू वी एफ वन, वी वन के साथ एंगल अल्फा होता है अल्फा 90, वी डब्ल्यू वन जीरो, रेडियल डिस्चार्ज आउटलेट पे है तो वी टू इज इक्वल टू वी एफ टू, वी टू से एंगल क्या होता है बीटा, बीटा 90 और वी डब्ल्यू टू जीरो। अब लास्ट में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में हम लोग प्रिफर करते हैं रेडियल ब्लेड्स, रेडियल ब्लेड और रेडियल डिस्चार्ज दोनों अलग अलग टर्म है, रेडियल ब्लेड्स का मतलब हो जाता है कि वी आर टू इज इक्वल टू वी एफ टू होगा, फाइव 90 होगा और यू टू इज इक्वल वी डब्ल्यू टू होगा, और रेडियल डिस्चार्ज का मतलब होता है ये चीज़ अभी मैंने बताया था पंप के इनलेट पे, तो आपको कन्फ्यूज नहीं है रेडियल ब्लेड क्या है रेडियल डिस्चार्ज क्या है। तो देखिए जैसे ये ब्लेड दिया गया है वन है टू, वन पे कर्वेचर कुछ ना कुछ दिया गया है ठीक, तो वही रूल है रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट टू द ब्लेड, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, फिर यू दिया हुआ है यू के जस्ट पैरेलल, ये आपका यू के पैरेलल यहाँ पे यू वन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे यू टू, तो यू वन प्लस वी आर वन इज इक्वल टू वी वन, वी आर टू प्लस यू टू इज इक्वल टू वी टू। आपको बताया कि ये जो वी वन है इसके साथ एंगल अल्फा आ रहा है तो आपको दिख रहा अल्फा 90 हो गया, अल्फा 90 है वी वन इज इक्वल वी एफ वन वी डब्ल्यू वन जीरो, तो पंप और कंप्रेसर के इनलेट पर हमेशा रेडियल डिस्चार्ज होगा, ध्यान रखिएगा पंप और कंप्रेसर के इनलेट पर हमेशा डिस्चार्ज रेडियल होगा, मतलब अल्फा 90 जैसे अल्फा 90 वी वन इक्वल वी एफ वन वी डब्ल्यू वन जीरो। अब रेडियल ब्लेड का मतलब होता है जस्ट टेंजेंट ड्रॉ किया वी आर टू प्लस यू टू इज इक्वल टू वी टू, इस वी टू दो कंपोनेंट ये वी एफ टू वी डब्ल्यू टू, तो रेडियल ब्लेड्स का मतलब होता है कि जो वी आर टू वी एफ टू वो बराबर यू टू वी डब्ल्यू टू वो बराबर, और वी आर टू रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल फाइ आता है फाइ 90। तो इतना अगर आपको बेसिक अच्छे से पता है तो आप कोई भी वेलोसिटी डायग्राम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, बस तीन चार चीज ध्यान रखिएगा वी वन वी टू अल्फा बीटा, वी वन के साथ एंगल अल्फा, वी टू के साथ एंगल बीटा, वी आर वन के साथ एंगल थीटा, वी आर टू के साथ एंगल फाई। टर्बाइन पंप कंप्रेसर कौन सा केस है देख लीजिए, किसमें बड़ा करना है किसमें छोटा करना है, पंप या कंप्रेसर में आउटलेट बड़ा दिखाएंगे तो सारे पैरामीटर्स को लेंथ आप लंबी करेंगे और इनलेट छोटा दिखाएंगे, टर्बाइन है तो इनलेट को बड़ा दिखाएंगे आउटलेट छोटा दिखाएंगे, क्लियर। अगर आपसे कभी बोलेगा रेडियल ब्लेड्स तो रेडियल ब्लेड्स का मतलब होता है वी आर टू एजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो वी आर टू प्लस यू टू इज इक्वल वी टू, तो रेडियल ब्लेड का मतलब होता है वी आर टू इज इक्वल वी एफ टू, यू टू इज इक्वल टू वी डब्ल्यू टू और फाइव 90। रेडियल डिस्चार्ज बोलेगा रेडियल डिस्चार्ज इनलेट पर है तो पंप और कंप्रेसर का केस है वी वन इज इक्वल टू वी एफ वन वी डब्ल्यू वन जीरो अल्फा 90। रेडियल डिस्चार्ज आउटलेट पर है तो फ्रांसिस टर्बाइन केस हो जाएगा, तो वहाँ पर वी टू इज इक्वल वी एफ टू वी डब्ल्यू टू इज इक्वल टू जीरो एंड बीटा 90। तो आई होप ये आपको लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम लोग वेलोसिटी डायग्राम कंप्लीटली बेसिक से कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपको ऐसे और भी अच्छे लेक्चर चाहिए और भी अच्छे कंटेंट चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर, गुड बाय।